हम लोग ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो कर रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेशन से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं और इनके थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, इसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक नॉमनक्लेचर्स यूज करते हैं। इसी के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस लेक्चर से हो सकता है आपके एग्जाम्स में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए। मेरे कहने का मतलब, शायद ये लेक्चर आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस लेक्चर से बहुत कम है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा सप्लीमेंट बनाना चाहते हो, अपने स्कूल टीचर्स को इम्प्रेस करना चाहते हो, क्योंकि हमें स्कूल के जो एग्जामिनेशन कॉपीज में लिखना होता है सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, उसमें अगर हम बेटर कंटेंट दें बजाय कि हम खूब ढेर सारा लिखें, तो हमें मार्क्स मिलने, ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं दूसरे बच्चों से। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे एमसीक्यूज के लिए आप बैठ रहे हैं, वहाँ पे भी कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए भी हैं बहुत। तो शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आपके लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक छोटी सी टेबल जो है इसको लर्न करना है हमें। एक तरफ हमने इसमें लिखा है पॉलिनेटिंग एजेंट्स, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और दूसरी तरफ लिखा है हमने स्पेसिफिक नेम्स दोज आर एसोसिएटेड विद देयर रिस्पेक्टिव पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो हमें करना क्या है इसमें कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स का नाम याद रखना है, और इनके थ्रू जो पॉलिनेशन है इसके लिए क्या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, कौन सा स्पेसिफिक नेम या नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं, इसको लर्न करना है। याद कैसे रख पाएंगे इसको, इसके लिए छोटा सा एक लॉजिक है हमारे पास। ट्रिक तो नहीं मैं बनाता हूं कभी, या ट्रिक बना भी नहीं रहा हूं। यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है मेरे पास कि बायोटिक और एबायोटिक दो ही कैटेगरीज है हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए। तो एबायोटिक में दो ही है, विंड, एयर और वाटर। तो विंड या एयर के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, ये ऑलरेडी आपको पता है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को बोलेंगे हाइड्रोफिली, ये भी आपको पता है। और इसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, हमने आपको बोला था कि हाइड्रो टर्म जो है ये एसोसिएटेड होता है विद द वाटर। तो वाटर जब भी है हाइड्रो सोच सकते हैं, या फिर हाइड्रो कहीं लिखा है तो हम वाटर को सोच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो हम लोग टर्म्स यूज करेंगे या टर्म यूज करेंगे फॉर द पॉलिनेशन हाइड्रोफिली। इंसेक्ट्स के लिए भी याद रखना है हमको, क्योंकि इंसेक्ट्स आर मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स मैंने आपको बताया था कि प्रिफर करते हैं बायोटिक एजेंट्स को, उसमें भी इंसेक्ट्स को ज्यादा प्रिफर करते हैं फॉर द पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंटेमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट को मैं बोल रहा हूँ एंटेमोलॉजी, एंड द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को मैं बोल रहा हूँ एंटेमोफिली। फिली यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टर्म पॉलिनेशन के लिए। बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली, क्योंकि बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। एक वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पे हमको याद रखना है, दैट इज डॉक्टर सलीम अली। ये वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है, इनकी स्टडीज जो थी वो बेस्ड थी डिफरेंट बर्ड्स पे और उनके थ्रू हो रहे पॉलिनेशन पे, तो इनका नाम हमको याद रखना है। इसी तरीके से आंट्स के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ मिर्मैकोफिली, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन को बोल रहा हूँ मेलैकोफिली। मिर्मैकोफिली, मेलैकोफिली मिलते जुलते टर्म्स हैं या फिर स्पेसिफिक नेम्स हैं, इसलिए मैंने इनको अगल बगल लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिर्मैकोफिली पॉलिनेशन बाई आंट्स, मेलैकोफिली पॉलिनेशन बाई स्नेल्स, और स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन। स्नेल और स्नेक में भी आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पढ़े हैं। स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ ऑफियोफिली। इसी तरीके से बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है इसको मैं बोल रहा हूँ चैरेप्टोरोफिली या कैरेप्टोरोफिली, जैसे आप प्रोनशिएट कर सकें अच्छी बात है। बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ कैरेप्टोरोफिली। इसके लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं, बैच, बैच, बी ए टी मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, बैट के लिए, और सी एच यहाँ पे क्या है चैरेप्टोरोफिली। तो बैच एक ट्रिक हमारे पास है जिसके लिए हम याद कर सकते हैं, बैट मतलब बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन, और बैच में सी जो है वो चैरेप्टोरोफिली को डिफाइन करेगा। और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ कैंथेरोफिली। कैंथेरोफिली इज डिफाइंड एज द पॉलिनेशन बाय बीटल्स। फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन को मायोफिली। वैस्ट के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ स्फेकोफिली। बीस के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ
मेलेटोफिली, इस तरीके से बटरफ्लाई के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ साइकोफिली, और मॉथ्स के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ फैलिनोफिली, रोडेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ स्मिंथोफिली। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी एग्जांपल्स या जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पे वो सारे एनसीईआरटी के हैं। तो एनसीईआरटी में सिर्फ पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। एनसीईआरटी सिर्फ पॉलिनेटिंग एजेंट्स को बता रही है कि ये वेरियस काइंड और टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे इन द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, लेकिन वहां पे ये नॉमनक्लेचर नहीं यूज किया गया है। तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स लिख रखे हैं एनसीईआरटी में उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो उनसे हो रहे पॉलिनेशन के लिए नॉमनक्लेचर है सिर्फ उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इनकी टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरीके से याद करें। पूरा अगर नहीं आप याद रख सकते हैं तो कम से कम याद रख सकते हैं आप विंड या एयर के थ्रू पॉलिनेशन को एनिमोफिली, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को याद करने की जरूरत ही नहीं है हाइड्रोफिली बोलेंगे, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन जो है मोस्ट कॉमन उसके लिए याद रख सकते हैं आप एंटेमोफिली, और बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन को लिखेंगे ऑर्निथोफिली, और एक यहाँ पे नेम एसोसिएटेड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट का जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, ये आपको याद रखना है। और इधर से अगर आप याद रख सके तो फ्लाइज के थ्रू इंपॉर्टेंट है मायोफिली, याद रखना आसान है मायो वर्ड एसोसिएटेड होता है विद द मसल्स ऑल्सो, तो हम लोग याद रख सकते हैं मायोफिली फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन को बोलेंगे। बटरफ्लाइज को हम याद रख सकते हैं साइकोफिली, साइको याद रख सकते हैं आप आसानी से, तो बटरफ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन को बोलेंगे साइकोफिली, और रोडेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे स्मिंथोफिली, स्मिथ वगैरह थोड़ा सा आपको याद रखता है रहता है नाम, तो यहाँ पे स्मिंथोफिली। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रोडेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन स्मिंथोफिली ये याद रखना है आपको, बटरफ्लाई के थ्रू साइकोफिली याद रखना है, थोड़ा सा आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ मायोफिली, मसल से भी एसोसिएटेड होता है मायो टर्म, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैट के थ्रू पॉलिनेशन याद रख सकते हैं आप बैट से दैट इज कायरेप्टेरा और चायरेप्टेरोफिली, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली, विंड या एयर के थ्रू एनिमोफिली। तो ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आपके आ सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, या फिर टर्म्स यूज कर सकते हैं आपको किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में, या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम में आप अपने स्कूल टीचर को अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये कि कुछ एडिशनल नॉलेज आप लिख करके ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं बाकी के स्टूडेंट से। तो एक बार इसको बहुत केयरफुली देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं याद हो पा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो हमने टिक कर रखे हैं।